बात करते हैं इसके डिफरेंसेस की। बहुत छोटी सी चीज है मगर मैं देखता हूँ जब भी लोग फेसबुक पे अपने स्टेटस वगैरह डालते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, और जब उनसे पूछो तो कहते हैं दोनों सेम ही तो हैं। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग हैं। तो क्या फर्क है दोनों में, आइए हम लोग समझते हैं। पहला वाला इट्स जो है ये एक कॉन्ट्रेक्शन है, दूसरा वाला जो है ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, जैसे आप डू नॉट को मिला के बोलते हैं डोंट, कैन नॉट को मिला के बोलते हैं कांट, इसी तरीके से आप ही इसको मिला के बोलते हैं ही, शी इसको मिला के बोलते हैं शीज, तो इट इज को मिला के बोलते हैं इट्स, और ये अपोस्ट्रोफी आ जाता है बीच में। तो ये है कॉन्ट्रेक्शन, ये दो चीजों का कॉन्ट्रेक्शन है, एक है इट इज का और एक है इट हैज का, इन दोनों का ये कॉन्ट्रेक्शन है, इट इज का और इट हैज का। अच्छा, उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव, इट्स बिलोंगिंग की बात करता है, बिलोंग टू, बिलोंग टू, बिलोंगिंग की बात करता है। ओके, बिलोंग टू, ओके, मैं कहता हूं इट्स अ लेजी डॉग, तो यहां पे इट्स का मतलब है इट इज। मैं कहता हूं इट्स कलर इज ब्लैक, इसका कलर ब्लैक है, यहाँ पे ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये पहला था आपके सामने और ये दूसरा आपके सामने, ये दोनों में फर्क है। अगर मैं बोलूंगा इट इज तो मैं मिला के बोलूंगा इट्स, देखें एक एपोस्ट्रोफी पूरे मीनिंग चेंज कर देती है, आपको समझना होगा कॉन्ट्रेक्शन और पोजेसिव एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं लेट्स ईट ग्रैंडपा, लेट्स ईट ग्रैंडपा, क्या मीनिंग है इसके, लेट्स ईट ग्रैंडपा, इसके मीनिंग है चलो ग्रैंडपा को खाते हैं। ग्रैंडपा भी कोई खाने वाली चीज है? नहीं, ऑफ कोर्स ग्रैंडपा कोई खाने वाली चीज नहीं है। अगर मैं इसमें सिर्फ एक कॉमा लगा दूं, लेट्स ईट ग्रैंडपा, अब क्या मीनिंग हो गया, चलो खाते हैं ग्रैंडपा, सो लेट्स ईट ग्रैंडपा, लेट्स एक कॉमा मीनिंग चेंज कर लिया, आपको समझना होगा। अरब कहते हैं कि जिन अरब कहते हैं जिन अरबी अल्फाबेट्स में नुक्ते आते हैं वो इतनी अहमियत नहीं होती। पूछा गया क्यों अहमियत नहीं है, बोला इसलिए कि अगर उनका नुक्ता हटा दो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई अहमियत नहीं रहती। और कहते हैं कि इसीलिए अल्लाह ने अपने नाम में कोई नुक्ता नहीं रखा, मोहम्मद के नाम में भी कोई नुक्ता नहीं है। तो आपको समझना होगा एक नुक्ता एक कॉमा बिल्कुल मीनिंग ही चेंज कर देता है जुमले की। समझ आई होगी बात, इट्स और इट्स दोनों सेम नहीं, यही एक और फर्क है देयर और देयर, दोनों की आवाज सेम है मगर मीनिंग एंटायरली डिफरेंट। सो इट्स एपोस्ट्रोफी वन मीन इट इज इट हैज, कॉन्ट्रैक्शन सेकंड वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। होप यू अंडरस्टैंड।